सो वेलकम बैक, स्वागत है एक आपका एक अनदर वीडियो में। तो ये वाला वीडियो अंडर वाटर फीचर के लिए है, पानी के अंदर मैंने इसे ट्रेन किया है। ये एक ऐसा फीचर है जिसे पानी में ट्रेन कर सकते हैं। तो ऐसे खास करके ये नॉन अग्रेसिव होते हैं, बट इन्हें नॉकआउट करके ही यूज किया जा सकता है, ट्रेन किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको और भी खतरे हो सकते हैं इसको ट्रेन करते समय, तो आप ध्यान रखिएगा। अगर आप ट्रेन करने जा रहे हैं तो सार्को वगैरह ले जा सकते हैं आप इजीली, क्योंकि ये अंडर वाटर में सांस ले सकते हैं। और नहीं तो आपके पास पानी वाला गियर है तो भी अच्छी बात है, बट आप पानी वाले गियर से ज़्यादा देर तक बच नहीं पाएंगे, क्योंकि और भी यहाँ पर कुछ डेंजरस फीचर होते हैं। एल्काइनो जो होता है वो काफ़ी डेंजरस होता है, करंट मारता है। तो यहाँ पे मुझे ये दिखा तो था, बट पानी के अंदर एरो यूज़ करना बहुत हार्ड होता है। तो यहाँ पे कोशिश करेंगे इसे नॉकआउट करने की। तो एरो को बड़ा सोच समझ के फेंकना पड़ता है, क्योंकि हर एक एरो टच नहीं होता उसकी बॉडी पे। पानी की वजह से जो एरो की स्पीड होती है एक्यूरेट नहीं होती, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर साथ ही साथ थोड़ा और कुछ फीचर होते हैं वो ज़्यादा परेशान करते हैं, तो यहाँ पर मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है इसे नॉक करने के लिए। वैसे तो ये ज़्यादा फास्ट क्रीचर नहीं होते पानी में, बट फिर भी इतना तो होते हैं कि इससे चला जा सके या तैरा जा सके। तो इसे बहुत हार्डली नॉक किया जा सकता है, क्योंकि इसका अनकॉन्शियस लेवल काफ़ी अच्छा था, क्योंकि ये ऑलरेडी हाई लेवल का था और इतना ही रहता तो कोई दिक्कत नहीं थी। बट यहाँ पर और भी जो क्रीचर है, यहाँ पर वाटर क्रीचर, वो और भी ज़्यादा डेंजरस है। तो सबको ध्यान में रखते हुए हमें इसे नॉक करना था। तो यहाँ पे मैंने इसे काफ़ी सारा डैमेज ऑलरेडी दे रखा था नॉक करने के लिए। मैं समझ गया था अब नॉक होने ही वाला है, इसलिए भग रहा था। और यहाँ पे ऑलमोस्ट नॉक होने ही वाला, देखिए यहाँ पे मैंने इसे काफ़ी सारा एरो मार दिया था, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा अंडर वाटर गन काम नहीं करती। एक गन को छुड़ा के बाकी और गनों की मैं बात कर रहा हूँ। और ये ऑलमोस्ट नॉक होने ही वाला है, कुछ एरो और लगेगा और ये नॉक हो जाएगा। देखिए एरो कितना स्लो जा रहा, और यहाँ पे ये हमारा नॉक हो गया फाइनली। लेवल 55 का है, जो कि काफ़ी हाई लेवल का है। तो इसको टेम करने के लिए हमें चाहिए होता है फिश रॉ मीट। देखिए यहाँ पे पानी के अंदर टेम करते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर मेगलोडॉन आ गया था, तो यहाँ पे इसे मैंने मारा और साथ ही साथ इसका मीट कलेक्ट किया। यहाँ पे मुझे दो प्राइम मीट मिल गए, दो या तीन। तो यहाँ पे फिश प्राइम मीट से यूज करके देखेंगे हम लोग कि ये एक बार में कितना परसेंट जा रहा, फिर उसके बाद फिश मीट ओनली फिश मीट यूज करके देखेंगे कि एक बार में वो कितना परसेंट जा रहा। तो यहाँ पे मैंने इसको प्राइम मीट दे दिया, प्राइम फिश मीट दे दिया। तो अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि सोलो मोड में दिन और रात बहुत जल्दी होती है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि रात हो जाएगी तो दिखेगा नहीं, और साथ ही साथ और भी जो क्रीचर हैं काफ़ी डेंजरस हो जाएगा और हमारे लिए। बट कोई बात नहीं, मेरे पास रात में भी देखने के लिए एक है। और यहाँ पे ये ऑलमोस्ट पूरा हो गया, या एक बार में 6.5% जा रहा। तो देखिए फिश प्राइम मीट मैंने इसको यूज किया टेम करने के लिए, एक बार में 6.5% जा रहा। अब हम लोग फिश मीट देखेंगे, देखे कितना टाइम लेता है और साथ ही साथ कितना परसेंट जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने इसे 1.9 गुना स्पीड में बढ़ा दिया था, और ये देखिए एक बार में ये 2% गया है, तो काफ़ी ज़्यादा स्लो जा रहा। तो
हम लोग इसके लिए फिर से वापस को हम प्राइम मीट दे देंगे, फिश मीट। और यहाँ पे हम लोग अब स्मूथ ब्लेम का यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत टाइम लेगा टेम करने के लिए और हम लोग इतना देर तक पानी के अंदर रह नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि या तो आप इसे किसी तरह ल्योर करके ऊपर लेके चले आएँ, जो कि पॉसिबल नहीं है, और नहीं तो आप लोग पूरा गियर वगैरह बना के आएँ ताकि अंडर वाटर सांस लेने के लिए आपके पास सारे इक्विपमेंट रहें। और साथ ही साथ कुछ ऐसे डैमेज देने वाले, काफ़ी अच्छे डैमेज देने वाले क्रीचर को भी साथ लाएँ, ताकि और भी विंड वाले क्रीचर जो आपके अटैक करें उससे आप बच सकें और साथ ही साथ इसको प्रोटेक्ट कर सकें। तो यहाँ पे मैंने इसको स्मूथ ब्लेम दे दिया और यहाँ पे मैंने कुछ कंज्यूम किया जिससे हम लोग अंडर वाटर 50 मिनट तक सांस ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए, और ये एक ही बार में हमारा पूरा टीम हो गया, लेवल 81 का है। अब हम लोग इसका सैडल देख लेते हैं कितने लेवल पे मिलेगा। और इसका सैडल हमें मिलेगा लेवल 44 पे। इसका सैडल क्राफ्ट करने के लिए हमें स्मिथी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं पानी के ऊपर आ गया और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने एक नाव के ऊपर स्मिथी रख के और यहाँ पे मैंने इसका सैडल क्राफ्ट कर लिया। हमें हाइट फाइबर सीमेंट्रिक पेस्ट और मेटल इग्नोर की ज़रूरत पड़ी इसको क्राफ्ट करने के लिए। और यहाँ पे मैंने इसका सैडल फाइनली क्राफ्ट कर लिया स्मिथी से। अब हम लोग इसे वापस से पुट करेंगे सैडल के ऊपर। यहाँ पे देखिए, मैंने इसको सैडल दे दिया और यहाँ पर मैंने इसे लगा दिया। मैंने इसे कॉलर भी दे दिया, 10% हेल्थ बढ़ जाएगा इसका। तो अब बारी है इसका सैर करने की। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर बैठ गया, ये देखिए, और इसके ऊपर हम लोग खड़े भी रह सकते हैं। मुझे नहीं लगता है पानी के अंदर भी पॉसिबल है, बट मुझे लग रहा पानी के अंदर भी पॉसिबल होगा तो पानी के ऊपर भी पॉसिबल है इसलिए। और यहाँ पे मैंने अपने सार को कुछ स्टॉप किया और अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा सैर पे, देखते हैं इसकी स्पीड वगैरह। देखिए, इसका स्पीड थोड़ा सा स्लो है, ज़्यादा कुछ फास्ट नहीं दिख रहा मुझे, बट कोई बात नहीं, इसको हम लोग थोड़ा सा लेवल अप और कर सकते हैं और इस पर से अटैक वगैरह नहीं कर सकते, जबकि शार्कों पर से अटैक वगैरह कर सकते थे खड़े होके। ये देखिए किस तरह से इसका है सब कुछ, इसका अटैक वगैरह उतना खास ज़्यादा हाई भी नहीं दिख रहा मुझे, बट है तो एक अंडर वाटर क्रीचर ही है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और 1 से 100 तक आने वाले जितने भी लेवल के टेम या क्रीचर हैं सभी की वीडियो आपको सीरीज़ में मिलने वाली है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ वीकली में जितने भी डंजन आते हैं उन सभी का पूरा डिटेल कि कौन से बॉक्स में क्या मिलेगा, सारी डिटेल आपको वहाँ से मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं।